सिद्धार्थ शुक्ला ने कलर्स चैनल के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 में बतौर विनर अपनी कामयाबी की एक और सीढ़ी बेहतरीन तरीके से चढ़ी थी। बीते साल ही उन्होंने इसका जश्न मनाया मार्च में, और देखिए ना, एक साल गुजरा और दो साल भी नहीं हुआ कि जिंदगी उनसे हमेशा के लिए दूर चली गई, वो दुनिया से ही दूर चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था ट्विटर पर एक पोस्ट सिद्धार्थ ने साल 2017 में शेयर किया था, और उसमें उन्होंने कहा था, जिंदगी का अंत हो जाना अंत नहीं है, जिंदा रहते हुए सपनों का अंत होना ही अंत होता है, सबसे बड़ा अंत हो जाता है। और ऐसा कहकर उन्होंने सबको रुला। अब बिग बॉस में एक एपिसोड के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला जब गुस्से में नजर आए थे, लास्ट ईयर उनका गुस्सा सातवें आसमां पर शो में ऐसे पहुंच गया कि उन्होंने कह दिया था माहिरा शर्मा, पारस छाबड़ा, आसिम रियाज, इन सब के साथ बहसबाजी के बीच उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। इस तरह से एग्रेसिव होकर सिद्धार्थ शुक्ला कह बैठे थे। हाँ, सच है कि एग्रेसिव कंटेस्टेंट का दर्जा मिला था सिद्धार्थ शुक्ला को। जब वो विनर बने थे तो उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कई तरह के स्टेटमेंट सामने आए थे, और ये भी कहा गया था कि बिग बॉस जो है शो में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बायस्ड है, और इस तरह के तमाम तरह के ट्विटर पर पोस्ट वायरल हुए थे। हालांकि बाद में लोगों ने सिद्धार्थ को अपना लिया था। अब वो वीडियो उनके गुजर जाने के बाद खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गुस्से में ये सब कह दिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।